Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. In this lecture, we will understand about radioimmunoassay, that is RIA. Introduction. RIA is a technique which is used to determine the concentration of antigen in the patient sample. RIA एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसको पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल. मतलब हमारे पास पेशेंट सैंपल आया, उस पेशेंट सैंपल के अंदर हम एंटीजन को एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं RIA की हेल्प से. देखिए RIA का प्रिंसिपल क्या होता है. RIA के अंदर दो एंटीजन यूज में लिए जाते हैं, एक तो होता है हॉट एंटीजन और एक होता है कोल्ड एंटीजन. हॉट एंटीजन क्या होता है? हॉट एंटीजन का मतलब होता है जो एंटीजन हमें डिटरमाइन करना है वो एंटीजन प्लस उसके चारों तरफ लग जाता है रेडियो एक्टिव मटीरियल. इस एंटीजन को हम बाइंड करवा देते हैं किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ. इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एंटीजन बनता है, ये जो एंटीजन बनेगा इसे हम बोलेंगे हॉट एंटीजन. और कोल्ड एंटीजन क्या होता है? जो हमारे सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोल्ड एंटीजन. RIA के अंदर बेसिकली क्या होता है, इन दोनों एंटीजन के अंदर एक कॉम्पिटिशन होता है. देखिए कैसे होता है. सबसे पहले यहाँ पे नीचे हमारी है माइक्रोराइटर प्लेट. जैसे हमने एलाइजा में माइक्रोराइटर प्लेट यूज में ली थी, RIA के अंदर भी एक माइक्रोराइटर प्लेट ही यूज में ली जाती है. अब हमें क्या डिटेक्ट करना है? RIA डिटेक्ट करता है एंटीजन को. तो हमें पता है कि अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम उसको क्या देंगे? एंटीबॉडी प्रोवाइड कराएंगे. तो ये माइक्रोराइटर प्लेट है, इस माइक्रोराइटर प्लेट पे ऑलरेडी प्री कोटेड एंटीबॉडी होती है. प्री कोटेड मतलब पहले से लगी हुई होती है एंटीबॉडी. कौन सी एंटीबॉडी? जो इस एंटीजन के अगेंस्ट हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये GP41 एंटीजन है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? GP41 एंटीबॉडी. डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंटीजन फाइंड करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्री कोटेड एंटीबॉडी लगा देते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे ऐड हॉट एंटीजन. सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट एंटीजन. कौन सा वाला? ये वाला एंटीजन, जो एंटीजन रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ बाइंडेड है. तो हमारे पास ये एक बॉटल वहां पे, मतलब वहां पर जो किट होती है उस किट के अंदर क्या है? एक बॉटल है, उसके अंदर हॉट एंटीजन प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं. ये माइक्रोराइटर प्लेट है, इसमें प्री कोटेड एंटीबॉडी थी, यही हमने क्या ऐड करा? हॉट एंटीजन को ऐड करा. ये एंटीजन भी कौन सा है? GP41 एंटीजन ही है. ये दोनों जो एंटीजन हैं, इन दोनों का जो नेचर होता है, इन दोनों का सेम नेचर होता है, ये एक ही नेचर के होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये GP41 एंटीजन है तो ये भी क्या होगा? GP41 एंटीजन ही होगा. तो ये क्या है? हमारा हॉट एंटीजन है. हॉट एंटीजन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. नीचे क्या लगी है? GP41 एंटीबॉडी प्रीकोडेड है. तो ये हॉट एंटीजन क्या करेगा? इससे बाइंड हो जाएगा. और कुछ क्या रह जाएंगे यहाँ पे? अनबाउंड एंटीजन भी रह जाएंगे जो बाइंड नहीं हुए, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे. वॉशिंग क्यों करेंगे? जिससे ये जो अनबाउंड है, जो बाउंड नहीं हुए थे एंटीबॉडी से, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. वॉशिंग करने के बाद क्या होगा? जो ये अनबाउंड एंटीजन थे यहाँ पे नीचे रखे थे, वो क्या हो गए? रिमूव हो गए यहाँ से. नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा पेशेंट का सैंपल, वो पेशेंट का सैंपल जिसके अंदर हमें एंटीजन को डिटरमाइन करना है या जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है. हमने जैसे ही सैंपल यहाँ पे डालेंगे, ये एंटीजन भी कौन से हैं? GP41 एंटीजन है. जैसे हम इसको यहाँ ऐड करेंगे, ये GP41 ये वाले एंटीजन क्या करेंगे? इस वाले रेडियो एक्टिव ये हॉट एंटीजन को, ये कौन से हैं? कोल्ड एंटीजन है. यहाँ पे जो ये लगे थे पहले से वो कौन से थे? हॉट एंटीजन थे. तो ये कोल्ड एंटीजन क्या करेंगे? इस हॉट एंटीजन को जो यहाँ लगे हुए थे उनको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और खुद लग जाएंगे. मतलब इनके बीच में यहाँ पे क्या हुआ है? कॉम्पिटिशन हुआ है कि इस एंटीबॉडी से कौन बाउंड होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है. अब इस केस में क्या होता है? जो कोल्ड एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग मतलब वो उनके पास ज्यादा एफिनिटी होती है, ज्यादा पावर होती है कि वो इस एंटीबॉडी से बाइंड हो सके, क्योंकि इन वाले एंटीजन की जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो इसकी पावर को कम कर देते हैं. तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो ऑलरेडी ये बाइंडेड थे इनको तो यहाँ से पहले हटाएंगे और खुद यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, राइट. तो जैसे यहाँ से चार जगह ये कोल्ड एंटीजन बाइंड हो गए और चार यहाँ से क्या निकल गए? रेडियो एक्टिव एंटीजन या फिर हॉट एंटीजन, यहाँ से चार निकल गए. इसके बाद क्या होगा? ये जो रेडियो एक्टिविटी यहाँ से निकली है या जो ये हॉट एंटीजन यहाँ से निकले हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं गामा काउंटर के थ्रू. सो इंटेंसिटी ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन मेजर्ड बाय गामा काउंटर. मतलब जो ये इंटेंसिटी यहाँ से निकलेगी, उस इंटेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे गामा काउंटर की हेल्प से. अब कितने यहाँ से निकले? अब यहाँ से हम इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से चार हॉट एंटीजन निकले हैं. चार यहाँ से निकले हैं मतलब यहाँ पे कितने कोल्ड एंटीजन बाइंड हुए? चार
कोल्ड एंटीजेंस बाइंड हुए, तो जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। तो जो इंटेंसिटी होगी इस हॉट एंटीजेंस की वो क्या बताएगी हमें, डायरेक्टली ये बताएगी कि यहाँ पे कितने कोल्ड एंटीजेंस निकले, क्योंकि जितने ज्यादा कोल्ड एंटीजेंस यहाँ से निकलेंगे उतने ज्यादा यहाँ से हॉट एंटीजेंस रिलीज होंगे, जितने ज्यादा हॉट एंटीजन रिलीज होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। अब देखिए, अगर केस नेगेटिव हुआ कि यहाँ पे एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, तो जैसे हम सैंपल डालेंगे यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा एंटीजन का, रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो यहाँ से कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल यहाँ से रिलीज नहीं होगा, मतलब हॉट एंटीजन रिलीज नहीं होगा, हॉट एंटीजन रिलीज नहीं हुआ या कोई रेडियो एक्टिविटी रिलीज नहीं हुई, तो गामा काउंटर क्या करेगा, कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो रिजल्ट क्या दे देगा हमें, नेगेटिव। तो समय पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो रिया के फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे, इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमने अभी देखा है कि हम यहाँ पे क्या यूज में ले रहे हैं, रेडियो नाम क्यों पड़ा ऐसा, क्योंकि हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज में ले रहे हैं। इम्यूनो एसे क्योंकि इसके अंदर हम या तो एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, इम्यूनो वर्ड तब यूज में लिया जाता है जब हम किसी एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन को, और एसे का मतलब होता है कोई टेस्ट, राइट। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिया बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग बिटवीन रेडियो लेबल्ड एंटीजन also known as hot antigen which is a complex of antigen with radio material and unlabeled antigen also known as cold antigen obtained from patient sample। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल है रिया का वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है बाइंडिंग के बीच में, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है कि कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा, कौन कौन सा एंटीजन है, यहाँ पे दो एंटीजन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, एक तो हॉट एंटीजन और दूसरा कोल्ड एंटीजन। हॉट एंटीजन क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, वो एक कॉम्प्लेक्स है इसके साथ जो मतलब किससे मिलकर बना है, वो एंटीजन के साथ, एंटीजन विथ रेडियो मटीरियल, जब एंटीजन किसी रेडियो मटीरियल से जुड़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हॉट एंटीजन। और जो अनलेबल्ड एंटीजन है, जो किसी चीज से जुड़ा नहीं है, किसी से लेबलिंग नहीं करी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड एंटीजन, जो कहां से मिला है हमें, पेशेंट के सैंपल से मिला है, राइट। इन रिया देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू एंटीजन, दो एंटीजन के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, फर्स्ट है कौन सा, रेडियो लेबल्ड एंटीजन, जो हम जिसको हमने लेबल करा गया है, किसे, रेडियो मटेरियल से लेबल किया गया है, उसे हमने क्या बोला है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल है जैसे आयोडीन 125, हाइड्रोजन 3, कार्बन 40, राइट। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के, इन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स से हम उन एंटीजन्स को बाइंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ या फिर नेचर ऑफ एंटीजन्स पे, ये कौन सा एंटीजन हमें किस रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ लगाना है। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉट एंटीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अनलेबल्ड एंटीजन, दिस एंटीजन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट सैंपल एंड ऑल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन। ये जो एंटीजन अनलेबल्ड, मतलब किसी चीज से हमने इसको लेबल नहीं करा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलेबल एंटीजन या फिर कोल्ड एंटीजन, जिसको हमने कहाँ से लिया है, पेशेंट सैंपल से। थ्रू रिया वी कैन परफॉर्म बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, इसका मतलब यह है कि रिया जो है वो हमें क्वालिटेटिव टेस्ट भी देता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव भी बताता है, और क्वांटिटेटिव मतलब हमें वो किसी हद तक कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकता है। अभी हमने लास्ट देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टेस्ट भी, हमें इससे क्वांटिटी भी पता लग सकती है एंटीजन की पेशेंट सैंपल के अंदर। इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, टेक अ माइक्रोप्राइटर प्लेट प्री कोटेड विद एंटीबॉडी। सबसे पहले हमने क्या ली, माइक्रोप्राइटर प्लेट ली, उस पर क्या लगी है, प्री कोटेड एंटीबॉडी लगी हुई है। इस एंटीबॉडी का नेचर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से एंटीजन को डिटरमाइन कर रहे हो पेशेंट के सैंपल के अंदर। एंड रेडियो लेबल्ड एंटीजन, हॉट एंटीजन, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, रेडियो लेबल्ड एंटीजन को ऐड करेंगे, जिसे हमने कहा है हॉट एंटीजन। The hot antigen will bind with pre-coated antibody. अब जो वो hot antigen होगा वो pre-coated antibody के साथ क्या कर जाएगा, bind कर जाएगा। Remove the unbound hot antigen by washing. और जो unbound hot antigen है, जो bind नहीं हो पाए antibody से, उसको हम washing के through क्या कर देंगे, remove कर देंगे by buffer solution को use में लेके। एड पेशेंट सैंपल विच कंटेन कोल्ड एंटीजन, उसके बाद हम पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे जिसके अंदर कोल्ड एंटीजन प्रेजेंट है या फिर अनलेबल्ड एंटीजन प्रेजेंट है। दिस कोल्ड एंटीजन, कोल्ड CoNT, दिस कोल्ड एंटीजन विल कम्पीट विथ रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड रिप्लेस दैम। अब जो ये कोल्ड एंटीजन है वो क्या करेगा, कम्पीट करेगा, मतलब कॉम्पिटिशन करेगा किसके साथ, रेडियो लेबल्ड एंटीजन के साथ, और उसको रिप्लेस कर देगा, उसको वहां से हटा देगा।
This replacement of cold antigen releases them away from the antibody. This replacement of hot antigen, जो वहां से hot antigen मतलब हट गए हैं, वो वहां से release हो जाएंगे और antibody से दूर हो जाएंगे. Production of radioactivity, उससे क्या होगा, radioactivity का production होगा. मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय गामा काउंटर, उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है वहां से रिलीज हुई, इसको हम मेजर कर लेंगे किससे, गामा काउंटर की हेल्प से. द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल, और जो इंटेंसिटी है रेडियो एक्टिविटी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द कॉन्सेंट्रेशन. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो हमें ये बता देगी कि उसके अंदर कितना कोल्ड एंटीजन प्रेजेंट था पेशेंट सैंपल के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो इम्यूनो एसे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.